आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप अपने घर में सब्जी भाजी लगाते हैं, छत पे गमलों में खेती करते हैं, तो इस तरह से गमले आपके अभी सूखे पड़े होंगे। तो अभी अपना मौसम है जो बरसात का शुरू हो गया, और हम इसमें ज़रूर टमाटर, मिर्ची, बैंगन कुछ लगाएंगे, तो उसकी गुड़ाई आप लोग करें। इस तरीके से पूरी गुड़ाई हो जाने से पूरी मिट्टी है जो हमारी खुल जाती है और अंदर तक पानी चला जाता है, और इसमें एरेशन होता है और पौधे को बढ़वार के लिए बढ़िया वातावरण मिल जाता है। अच्छी ग्रोथ जब भी इसमें बीज लगाएंगे या फिर आप इसमें पौधा लगाएंगे तो अच्छे आराम से बढ़ता है। तो ये हम अपने देखने वाले साथियों को बताना चाहते हैं कि आज है जो 18 जून 2020 का दिन है, और हम शीघ्र ही इसमें सब्जियों के पौधे लगाएंगे जो कि हमें आगामी समय में बढ़िया जैविक और फर्टिलाइजर रहित सब्जियां मिलेंगी इसमें। इस तरह से आप भी करें। ये मैं बार बीच बीच में बताता रहता हूँ क्या क्या हमें इसमें करना होता है। तो इस तरह से ये हमारी एक प्लानिंग है कि इस तरह से हम जब किचन गार्डन में काम करते हैं तो ये सब काम हमें करना पड़ते हैं, है ना। देखिए ये भी हमारा एक गमला है, इसको भी अपने गोड़ देते हैं, तो ये भी हमारा पौधा लगाने के लिए या बीज लगाने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से करें आप लोग तो ये हमारा बढ़िया एक मनोरंजन हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, और जब ये पौधे तैयार हो जाते हैं तो हमारा मन बढ़ गया, इनको देख के प्रसन्न होता। देखिए जैसे अगेव लगा रही, कितना बढ़िया अगेव हो रहा है, हैं। हम देख रहे हैं कि सामने ये देखो तुलसी का पौधा लगा हुआ। तो इस तरीके से आप और भी सारे गमले लगे, सब हमने गुड़ाई कर दिए। मैं डॉक्टर BP सूत्रकार, सहायक संचालक कृषि छतरपुर मध्य प्रदेश।